दिवंगत पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती के अवसर पर अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की शुरुआत की। पार्टी के लॉन्च प्रोग्राम में वाईएस शर्मिला ने कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है, कल्याण, आत्मनिर्भरता और समानता। वाईएस शर्मिला ने कहा कि पिता की 72वीं जयंती के अवसर पर अपनी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की शुरुआत कर रही हूं, जो हमारे लिए त्योहार का दिन है। हम अपनी नई पार्टी को वाईएसआर के दिखाए हुए रास्ते पर चलाएंगे। लॉन्च कार्यक्रम में ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि ठीक 100 दिन में वो तेलंगाना में पदयात्रा शुरू करेंगे। टीपी के तरफ से मैडम शर्मिला की पार्टी भी लॉन्च हो रही तेलंगाना में, और काफ़ी तादाद में है सो लोग आए हुए हैं और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तेलंगाना में है सो अयशा शर्मिला मैडम की पार्टी कायम हो, उन्होंने सीएम बनो, हर एक की ख्वाहिश है, हर एक की चाहत है। जो राजशेखर रेड्डी साहब जो कारनामे करे हैं, अंजाम दिए हैं, तेलंगाना हुकूमत यहाँ पर की कुछ भी नहीं कर सक रही। अगर ये वाईएसआर टीपी में मैडम शर्मिला जी जब सीएम बनेंगे तो हर एक का मुस्तकबिल बनेगा यहाँ पर।